नमस्कार श्रोताओं, मुख्य प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 90 विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संबंधित जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती का काम होगा और पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग भी रखी जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि सभी मतगणना केंद्रों में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। प्रेक्षकों की निगरानी में मतों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसमें सेवा मतदाताओं के वोटों की गिनती सबसे पहले की जाएगी, फिर डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से कवर्धा में सबसे अधिक 30 चक्रों में मतगणना होगी। वहीं सबसे कम 12 चक्रों में मतगणना मनेन्द्रगढ़ और भिलाई नगर में होगी। बीजापुर में डाक मतपेटियों के कथित रूप से खुले पाए जाने और मतपत्रों से छेड़छाड़ के संबंध में मिली शिकायतों को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निराधार बताया है। भाजपा ने राजनांदगांव के जिला निर्वाचन अधिकारी से चुनाव कार्य में लगे शासकीय कर्मचारियों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग मतदाताओं द्वारा डाक मतपत्र से किए गए मतदान से संबंधित मतपेटियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक सेवा में कार्यरत 23 न्यायिक अधिकारियों को सिविल जज सीनियर डिवीजन में पदोन्नत किया है। दुर्ग जिले के भिलाई नगर क्षेत्र में बीती रात एक सड़क हादसे में एक बुजुर्ग दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र के पानी दोबीर के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाया गया एक पाइप बम बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी की वजह से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुई रॉयल चैलेंज कप नेशनल कराते चैंपियनशिप में जांजगीर चांपा जिले के खिलाड़ियों ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये थे अब तक के मुख्य प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।